आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। इस वर्ष देश में गेहूं उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित होने की उम्मीद जताई जा रही है। जनवरी में ठंड की अनुकूलता बनने से फसल की बढ़वार अच्छी है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने इस बार करीब 112 मिलियन टन गेहूं उत्पादन की उम्मीद जताई है। संस्थान के वैज्ञानिकों की टीम ने इस महीने हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू के मैदानी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली NCR क्षेत्र में गेहूं की फसल के स्वास्थ्य को लेकर प्रथम सर्वे के बाद यह संभावना जताई है, तो वहीं दूसरे सर्वेक्षण की तैयारी चल रही है। अगले सप्ताह वैज्ञानिकों का दूसरा दल दूसरे सर्वेक्षण के लिए रवाना होगा। दिसंबर के अंतिम सप्ताह से गेहूं की फसलों का सर्वे शुरू हुआ था। फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्रथम सर्वे पूरा किया गया। इसके अनुसार इस साल 112 मिलियन टन गेहूं उत्पादन की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल देश में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन 109.52 मिलियन टन हुआ था। इस बार गेहूं की फसल स्वस्थ है, मौसम की अनुकूलता भी बनी हुई है। फसल के स्वास्थ्य को लेकर एक सर्वे कर लिया गया है और दूसरे की तैयारी है। गौरतलब है कि इस साल देश में गेहूं का रकबा करीब 31.5 मिलियन हेक्टेयर है। गेहूं की सालाना घरेलू खपत 80 से 90 मिलियन टन है। किसान फसल की निगरानी रखें और सावधानी बरतें तो इस बार रिकॉर्ड गेहूं की फसल उत्पादन की संभावना है। वहीं किसानों का कहना है कि जिस प्रकार ठंड का मौसम चल रहा है उससे इस बार गेहूं का बम्पर उत्पादन होने की उम्मीद है। बारिश से ठंड के लंबा चलने की उम्मीद है, इस कारण उनके पानी की बचत भी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।